भूखमरी के कागार पे हैं। रात में कभी कभी बोहनी नहीं होती है, कितना बता रहे हैं सर? जितने लोग आप देख रहे हैं ये ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं, और इन्होंने कहा कि आप हमसे बात करिए और हमसे बात करिए और हमारी कुछ समस्या है उसको आप दिखाइए, लेकिन हम चेहरा नहीं दिखाना चाह रहे। और गोरखपुर जंक्शन के बाहर जो है ये लोग मौजूद हैं। यहाँ पे लगाया तो आदमी यहाँ से भगा देता है, रेलवे विभाग आती है, हमारा कहीं स्टैंड नहीं, काली मंदिर लगाता वहाँ भी कोई स्टैंड नहीं है। वो तो दरबार लगाते हैं, इधर गोरखपुर मंदिर में भी दरबार लगता, आप गए नहीं उधर, बात नहीं किया? सर ऑटो वाले कई बार गए लेकिन वहाँ सुनवाई नहीं हुई। चंपा देवी पार्क में भी हड़ताल किया गया, कोई वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई। इसमें आप कितना लोग? 10,000 जी। 10,000 ऑटो वाले जी जी। और 10,000 ऑटो वालों के ऊपर ये संकट है जी सर। हा? ये दिक्कत है सर, देश में यही है सर कि जो भाजपा के विरोध कर रहे हैं लोग उनके साथ तो बिक्री हो रही सर, उनके साथ मारपीट हो रहा है सर, जो हाईलाइट हो जा रहे हैं जो लोग उनके साथ जो है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आमतौर पर जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोगों को अपने साथ पीछे रखते हैं, हम लोगों के आगे रहते हैं, लोग हमारे पीछे रहते हैं, लोगों के चेहरे आपको दिखते हैं। लेकिन इस वक्त हम गोरखपुर में हैं और मामला उल्टा है। गोरखपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे साथ में जितने लोग आप देख रहे हैं, थोड़ा पीछे होकर के दिखाइए, जितने लोग आप देख रहे हैं ये ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं, और इन्होंने कहा कि आप हमसे बात करिए और हमसे बात करिए और हमारी कुछ समस्या है उसको आप दिखाइए, लेकिन हम चेहरा नहीं दिखाना चाह रहे। और गोरखपुर जंक्शन के बाहर जो है ये लोग मौजूद हैं, और इनकी जो समस्या है वो इनसे सुनवाएंगे, बात करेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि ये चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं, क्या है ऐसी बात, आप क्या कहना चाहते हो, आपको चेहरा दिखाने का भी डर है, नहीं दिखाने का डर है? अब सर ये वाले हाईलाइट हो जाएंगे ना सर यहाँ पर थोड़ा सा। कि क्या समस्या है आपकी, क्या बताना चाह रहे हो? समस्या सर यही है कि जैसे कि हम लोग यहाँ तकरीबन 8-10 हज़ार ऑटो वाले हैं जी, और ये समस्या ये है कि जैसे यहाँ पर सिटी बस चलने लगी है 15, और अभी इसके बाद भी 2-4 दिन बाद भी 10 बसें आने वाली है, चुनाव के बाद आ जाएगी। तो सर दिक्कत ये है कि मतलब अब सवारियों से बैठने चाह रही हम लोग ऑटो में, हम लोग साथ रोजगार का संकट पैदा हो गया है, ये सब दिक्कतें हैं सर मेन हमारी। तो कुछ इस... जी हाँ बोलिए ये मतलब कुछ हम लोग ये चाहते कि योगी जी कुछ इसका समाधान करे बीच में। अच्छा, तो फिर योगी जी समाधान करे, आप इस बात कह रहे हैं, तो आप वो तो दरबार लगाते हैं, इधर गोरखपुर मंदिर में भी दरबार लगता, आप गए नहीं उधर, बात नहीं किया? सर ऑटो वाले कई बार गए लेकिन वहाँ सुनवाई नहीं हुई। चंपा देवी पार्क में भी हड़ताल किया गया, कोई वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई। हाँ, और हम लोग ये उधर गोरखपुर मठ में गए, हाँ मंदिर में गए थे ऑटो वाले, फिर उधर क्या रहा? वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं, ऑटो वाले सब बेकार हैं, इधर लगाते उधर लगाते हैं, इनकी मार हाँ, और जो है कि बस चलेगी। पुलिस वाले डंडा मारते हैं, खदेड़ते हैं, इधर उधर होते हैं, और का यही सब होता है। तो उधर मंदिर में क्या बोला गया? ऑटो वाले गए थे तो बोला गया कि ये मतलब कि ऑटो वाले ही मतलब जैसे स्टैंड का भी हमारा मांग है कि स्टैंड भी होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लगाया तो आदमी यहाँ से भगा देता है, रेलवे विभाग आती है, हमारा कहीं स्टैंड नहीं, काली मंदिर लगाता वहाँ भी कोई स्टैंड नहीं है। तो गोरखपुर मंदिर में आपके साथ में फिर हाथापाई की गई, मारपीट की गई? नहीं, ऐसा नहीं, सुनने में आया हम नहीं गए थे और ऑटो वाले गए थे तो पता चला कि वहाँ से अपना वापस भेज दिया, ये जाओ तुम लोग, यहाँ कुछ सुनवाई नहीं होगी। अच्छा जी, ये दिक्कत है जो है ये जो बस चली है, बस का ये है कि बस अपना चले लेकिन ऑटो वालों का भी कोई रास्ता निकाला जाए। तो बस तो अभी सरकार चलाएगी, उसमें पब्लिक को कम किराए में मिलेगा, आप लोग ज़्यादा किराया लोगे सर? इसका कोई समाधान नहीं है, बस का 10 रुपये किराया तो मेरा 20 रुपये किराया होगा। कितने लोग हैं ऑटो वाले, कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो कम से कम, यहाँ पे कम से कम 25-30 लोग हैं ही। नहीं नहीं, गोरखपुर में स्टेशन 10,000 जी, 10,000 ऑटो वाले जी जी, और 10,000 ऑटो वालों के ऊपर ये संकट है जी सर। हा? ये दिक्कत है सर, 10,000 ऑटो वाले हैं एकदम परेशान सर, और वो सब भूखमरी के कागार पे हैं। रात में कभी कभी बोहनी नहीं होती है, कितना बता रहे हैं सर? इस समय बोहनी तक नहीं हुआ है मेरा अभी तक, और अभी रात के 1:30 से 2 बज रहे हैं। हाँ, अभी तक बोहनी नहीं हुआ है। आपको घर परिवार को छोड़ करके आए, खाना पीना बिस्तर छोड़ करके आए? हाँ। तब फिर बोनी भी नहीं है? बोनी नहीं हुआ अभी तक। सही कह रहे हैं ये सब लोग? सही कह रहे हैं।
शाम को आते हैं। पार्टी वाले ने पैसा वैसा नहीं, पार्टी वाले नहीं है, कभी कभी हम लोग आते हैं। हम लोगों को सब पार्टी से लेना देना नहीं है, बस कोई भी आए हमारा समाधान करे। कई बार ऐसा होता है कि चुनाव के समय पर कुछ लोग पंप मार देते हैं कि भैया फलाने आदमी का विरोध करो, फलाने का ऐसा ऐसा कुछ है नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। देखो सरकार केस वेस कर देती है अगर झूठ बोलोगे तो, कैमरे के ऊपर बात है। अरे सर केस करे चाहे कुछ करे, आदमी ऐसे मर रहा है और ये आया ऐसे मर जाए। डर खत्म हो गया लोगों का, और ये डर क्यों खत्म हो रहा है इसका मतलब समझ रहे हैं आप? आदमी डरता है, आदमी सोचता है कि घर परिवार चलता रहे, रोजी रोटी चलती रहे, लेकिन जब आखिरी हो जाता है, जब अंत हो जाता है, तो आदमी सब कुछ फिर दाव पर लगा देता है। और यही जो गुस्सा है उनकी आवाज़ में देख रहा हूँ मैं। बताइए सर, प्राइवेट, हम लोग प्राइवेट वाले हैं, हमें और ऑटो जो बस चल रही है इसमें क्या अंतर है? हम भी कहीं भी खड़ा होके भरते हैं सवारी, वो भी कहीं भी खड़ा होके भरती है, हम खड़ा होके भर रहे हैं तो गलत है। बस कहीं भी खड़ा होके भरे तो गलत नहीं है, क्योंकि वो सरकारी है। तो परेशानी सब लोगों को है? परेशानी तो सर सब लोग को है, और इसमें सबसे मेन परेशानी है कि गोरखपुर में जितने भी ऑटो वाले हैं इन लोगों को कहीं पे भी स्टैंड नहीं मिला। हम लोग का ये कहना कि हम लोग को स्टैंड दिया जाए, और क्या नाम है, हम लोग जैसे साइड में गाड़ी लगा के खड़ी करके सवारी बैठाते हैं तो पुलिस वाले आते हैं चालान मार के चले जाते हैं, अन्य तो तुरंत मारते हैं। अच्छा ये बताओ चेहरा क्यों नहीं दिखाना चाहते सर? हम लोगों को भी तो डर है कि कहीं कोई मान लीजिए पार्टी कोई भेज दी, चाहे बीजेपी ही भेज दी, चाहे कोई भी मान लीजिए कोई सरकार ही के तरफ से कुछ भेज दिया, तो हम लोग झूठे में कहने कैमरे पे बोलने के नाते लात खा सकते हैं। आपको डर है कि आपको मार पिटाई होगी? वो तो डर है, वो तो है उसका। आपको डर है कि चेहरा आ गया तो मार पिटाई होगी? हाँ हो सकता है। अच्छा ऐसा है? जी सर बिल्कुल है, जिसे पूरे देश में चल रहा है उसे सर हर जगह स्थिति बनी। क्या देश में क्या चल रहा है? देश में यही है सर कि जो भाजपा के विरोध कर रहे हैं लोग उनके साथ तो मिथी हो रही सर, उनके साथ मारपीट हो रहा है सर, जो हाईलाइट हो जा रहे हैं जो लोग उनके साथ जो है। अभी सर फेसबुक पे आप योगी चाहे मोदी खिलाफ बोल दीजिए तो सर आपके घर से उठा के ले जा रहे हैं रात में लोग जो है कि। तो ये फिर आपको लग रहा है कि इधर है सर बला हुआ सर, सबके साथ है, हर किसी के अंदर ये डर है, ये बिल्कुल डर बना हुआ हर किसी के साथ में सर ये। लेकिन ये तो सीएम सिटी हुई ना, तो क्या हुआ सर, सबको डर है सर, एक वजह नहीं सर ये तो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है जी। तब भी आपको ऐसा लगता है? हाँ सर डर रहा है। तो ये आपको लग रहा है कि अगर सरकार साथ में बैठे, आप लोग साथ में बैठे तो ये ऑटो वालों का कुछ समाधान हो सकता है? जी सर बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उस पर बात करने तैयार तो हो योगी जी? वो तैयार नहीं है, तैयार नहीं है जो है, कोई मुद्दा ही नहीं समझ रहा है इन लोग का जो है सर। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा सर यहाँ पर है, और जितने मान लीजिए बहुत सारे एजुकेटेड मेरे जैसे, मैं भी सर मैंने बीएड किया है सर। आपने बीएड किया है? जी सर 2011 में। अच्छा टेट भी पास हूँ मैं सर। क्या? टेट भी पास हूँ मैं सर। टेट भी पास है? टेट भी पास हूँ मैं सर। वो कहीं ऐसा तो नहीं है लोग कहेंगे कि भैया नकल वकल मार के जुगाड़ करके तब किया? बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं, सर्टिफिकेट सब बोलता है, सर्टिफिकेट मेरे पास हर चीज है। ये सब मुद्दे हैं सर, मैंने काबिलियत है जी, काबिलियत है सर बिल्कुल है। मैं दिन में उसके बाद में नौकरी नहीं मिली सर, दिन में पढ़ाता हूँ मैं सर कई बार, लेकिन अभी कोविड काल में नौकरी चली गई है रात में। देखिए लोगों की समस्या है, और ऑटो वाले वो इस बात को उठा रहे हैं कि हम लोग बेरोजगारी के कगार पर आ जाएंगे, और करीब 10,000 ऑटो वाले यहाँ पर हैं, तो इसके मायने क्या हैं? और सीएम सिटी में खड़े होकर के इन लोगों को आखिरकार क्यों डर लगता है कि ये चेहरा अपना नहीं दिखाना चाहते? ये भी सरकार को जो है वो सोचना चाहिए कि आखिरकार उनके बीच में और इनके बीच में ये दूरी जो है, ये फासला जो है वो इतना क्यों है। बहरहाल इसी तरह से आपको अलग अलग लोगों तक मिलवाएंगे, लोगों के मुद्दे क्या हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी समस्या क्या है वो आपको दिखाएंगे। ऑटो वालों की जो समस्या है वो आप आगे तक पहुंचाइए, शायद इनका समाधान हो जाए, इनकी रोजी रोटी पर जो संकट आया हुआ है शायद वो छट जाए। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज एजेंडा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर।